शराब के नशे में धुत शख्स ने महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। मरने वाले व्यक्ति ने खुद को बताया भगवान शिव का अवतार। हालांकि महिला से उस व्यक्ति का कोई भी संबंध नहीं था। फिर ऐसा मामला क्यों पेश आया? आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। आई देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। मामला राजस्थान के उदयपुर का है। 60 वर्षीय एक व्यक्ति नशे में धुत 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के सीने में मुक्का मारा, बाल पकड़कर घसीटा, फिर छाते से पीट पीट कर महिला की हत्या कर दी। जो वीडियो भयानक रूप से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उसमें सिर महिला के बगल में बैठा और कथित तौर पर उससे बात करता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव का अनुयायी है। सिंह ने यह भी दावा किया कि भगवान शिव ने उसे उसके पास भेजा, तुम एक रानी हो, ऐसा उन्होंने कहा उस महिला से, और वे अचानक से महिला के छाती पर मुक्का मारता रहा। कथित घटना के बारे में बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जब सिंह महिला से मिला तो वह नशे में था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा उसने खुद को भगवान शिव का अवतार होने की कल्पना की और विश्वास किया कि वह महिला को मार सकता है और उसे पुनर्जीवित कर सकता। वह वीडियो जब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सिंह कहते हैं महारानी हो तो, और वह अचानक महिला के छाते से पीट पीट कर हत्या कर देता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सिंह वृद्ध महिला को बाल पकड़ कर घसीटते हुए नजर आ रहा है। एक अन्य वीडियो क्लिप में आरोपी महिला को पीटते हुए उसके सर पर छाते से वार करते हुए दिख रहा है। कथित घटना उत्तर प्रदेश जिले के गोगुंडा तहसील में हुई। पुलिस ने कहा कि बुजुर्ग महिला किसी के घर जा रही थी जब सिंह ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अफवाहों के ऊपर ध्यान दिया तो पुलिस को पता चला कि जादू टोने के संधि में वृद्ध की हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि ये एक अचंभित कर देने वाली हत्या थी, क्योंकि वीडियो में आरोपी मतभ्रम करता हुआ दिख रहा था। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर वीडियो में नशे के हालत में नजर आ रहा है। पुलिस ने कहा कि आरोपी मतभ्रम कर रहा था। जब एक व्यक्ति ने सिंह को महिला पर हमला करने से रोका तो उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और छाते से उसे पीटना जारी रखा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वायरल वीडियो को दो नाबालिगों स्थित आसपास खड़े लोगों ने शूट किया था, जो बचाव के लिए सामने नहीं आए। क्यों, आखिर क्यों इंसानियत ने मुंह मोड़ लिया? क्या वहां खड़े लोग उसे नहीं बचा सकते थे? इससे जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।